अब समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे कंटेस्टेंट्स, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी, फास्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपके टीवी के डीटीएच कनेक्शन में डीटीएच का क्या अर्थ है? व्हाट डज डीटीएच स्टैंड फॉर इन योर टीवीज डीटीएच कनेक्शन? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, डिश टू होम। बी, डिस्प्ले द हाईलाइट। सी, डायरेक्ट टू होम। और इज इट डी, ड्यूटी टू हेडक्वार्टर? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इट्स ए सी, डायरेक्ट टू होम, DTH. Alright. सी में किन के लोगों ने सही जवाब दिया है? तीन को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका रहा? रंजीत सिंह विरदी का, 1.98 seconds. Alright. तो लीडर बोर्ड पे रंजीत सिंह जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं। Alright. दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सामग्री इल्लियों से मिलती है? Which of these materials is obtained from caterpillars? ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। ए, जूट। बी, रेशम सिल्क। सी, कपास यानी कॉटन। या डी, ऊन वूल। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी, सिल्क, रेशम। बी में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया ये रहे नाम। सबने सही जवाब दिया, वाह। लेकिन सबसे कम समय किसका रहा? श्वेता झांबड़े जी, 1.48 सेकंड। लीडर बोर्ड पे रंजीत सिंह जी आगे चल रहे थे और अब लीडर बोर्ड पे अभी भी रंजीत सिंह जी आगे हैं, वाह। अब आएगा तीसरा प्रश्न। ध्यान रहे आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम 2022 की एक हिंदी फिल्म का नाम है जो उसी दिन भारत में रिलीज हुई थी जिस दिन ये त्योहार मनाया गया था? Which of these is the name of a 2022 Hindi film that was released on the same day in India as the festival was celebrated? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, गुड़ी पावड़ा। बी, छठ पूजा। सी, होली। डी, रक्षाबंधन। गुड़ी पावड़ा, छठ पूजा, होली, रक्षाबंधन। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर बताया जाए डी, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की फिल्म जिसमें अक्षय कुमार जी ने काम किया था वो रिलीज हुई थी रक्षाबंधन के ही दिन। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया। सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब मोहित त्रिवेदी जी, 1.58 सेकंड्स। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे रंजीत सिंह जी आगे चल रहे थे। कोमल गुप्ता, कोमल गुप्ता जी पहुंच गए आप नंबर वन स्थान। आइए कोमल जी। ओ, ये अलाउड नहीं है यहां पर, ये ठीक नहीं है। हो गया, अभी आप पहुंच गए ना। ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। बस। अब कैसे खेलेंगे अगर ऐसा करती रहेंगे आप? तीन दिन से ट्राई करी सर, मेरा तो हो गया ना, अभी आ गया अभी तो। अच्छा, पानी तो पी लीजिए। सब जगह फिर जाइए। जितने मेल कंटेस्टेंट्स हैं ना, वो उनको बड़ी जलन होती है। वो कहते हैं यार, जब महिलाएं आती हैं आप उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं। हम लोग आते हैं तो हमारे साथ तो कुछ करते नहीं आप। ऑलराइट, शांत हो जाइए, एकदम चश्मा धारण कर लीजिए फिर से एक बार। जी सर। ठीक है? जी सर। ठीक है कि नहीं? बिग हैंड फॉर कोमल। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। और फूट फूट कर रोइएगा मत। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फूट फूट करके उत्तर दीजिए और ढेर सारी धनराशि जीत कर जाइए। थैंक यू सो मच सर। जी सर, बिल्कुल। ओके। ओ,
स्कूटर बच गया है कोमल जी। ओके, बात नहीं सर। तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा और खेल को कल हम प्रारंभ करेंगे आपके साथ। ओके, तो आइए हम भी ज्ञान को नमन करते हैं और बुलाते हैं हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट कोमल गुप्ता जी को। जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। कोमल गुप्ता जी आइए। प्रणाम 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 प्रणाम। आइए कोमल जी। नहीं ये अलाउड नहीं है जी। कोमल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ सर, एक खिलाड़ी की जीवन में ये दुखदाई नहीं होता कि वो हार गया, क्योंकि सर एक जो खिलाड़ी होता है उसके लाइफ में तो हार जीत तो लगे रहती है सर जी। लेकिन जब मैं हॉट सीट पे आई, हाँ। और जैसे ही हॉट सीट पे आई तो मुझे खेलने ही नहीं मिला, तो हाँ, सर ये हूटर बज गया। हाँ सर, हूटर बज गया। तो सर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं एक बार फिर से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कुर्सी पर बैठूं और आप मुझे यहाँ से मेरा नाम पुकारे और मैं वापस से हॉट सीट पे आऊँ। अच्छा, हाँ सर, आ जाइए जी सर। बढ़ जाए। बहुत सारे कंटेस्टेंट हमने देखे हैं, ये पहली महिला कंटेस्टेंट जिन्होंने कहा हमारा दोबारा नाम बुलाइए फिर से, तो हम फिर से अनाउंस कर दें। हाँ सर, तो देखिए लीडर बोर्ड पे पहुंच गए हैं कोमल गुप्ता जी। तालियां बजा उनके लिए। आइए कोमल जी। अच्छा, ये सब दोहराने का मतलब क्या था आप बता दीजिए हमको कोमल जी। सर अब मैं एक वेट लिफ्टर हूँ। हाँ, क्योंकि मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ, अब आप दोबारा आई हैं हॉट सीट पर, अब दोबारा आंसू मत निकालिएगा क्योंकि हमको फिर आना पड़ेगा आपके पास। निकालते निकालते थोड़ा टाइम लगता है जी सर। और सब लोग कहते हैं सर आप जितनी महिलाएं आते हैं उनका आप बड़ा देखभाल करते हैं, जितने पुरुष आते हैं उनके बारे में कुछ नहीं करते। तो जितने भी अगर पुरुष आ जाएंगे, दो बच्चे हैं अभी भी, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां पहुंच गए और फूट फूट कर रोने लग गए तो अवश्य मैं आपके आंसू पोंछूंगा। हो गया, ओके। आपने कहा कि आप एक वेट लिफ्टर हैं, आपको कैसे सूझा कि आपको वेट लिफ्टिंग करना चाहिए? सर इसका पूरा श्रेय मुझे वेट लिफ्टिंग में जाने का मेरे फादर को जाता है। अरे ठहर जाइए, कंपेनियन के रूप में आए हैं क्या वो? जी सर, मेरे फादर आए हैं। प्रणाम करता हूँ सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बैठ जाइए। रवि गुप्ता जी आपका नाम है जी। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। आप कह रहे थे कि उन्होंने प्रोत्साहित किया आपको। हाँ सर, जब मैं 11 साल की थी तब मेरे फादर ने मुझे जिम में लेके गए। उस टाइम अखाड़े हुए करते थे सर, तो मैं अखाड़ा गई थी। सर वहाँ पे मेरे फादर ने बोले इनको आप वेट लिफ्टिंग में जो भी लगेगा मैं पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, आप इनकी बस ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। तो सर मैंने वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट किया, तो सर मैं वेट लिफ्टिंग में और भी ज़्यादा नेशनल एंड स्टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। आपने वहाँ पर कुछ खिताब वगैरह जीते? हाँ सर, मैंने नेशनल में ऑल इंडिया स्कूल गेम्स में मैंने सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। वेल डन, थैंक यू सर। तो अब आप जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं। जी सर, ठीक है। ऑलराइट कोमल जी, जी बहुत सारी बातें हो गई हैं। इस खेल के रूल्स तो आपको पता ही हैं, इसलिए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। और 3 लाइफलाइंस रखी हुई आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, और जब भी आप को लगे कि हमें इसका उत्तर नहीं मालूम उसका उपयोग आप कर सकते। तो चलिए प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए कोमल जी। जी सर। पहला प्रश्न, 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी गतिविधि हिंदी मुहावरे 32 दिखाना से संबंधित है? Which of these activities is associated with the Hindi phrase 32 दिखाना? ऑप्शन सुनिए, ए राइटिंग, बी रनिंग, सी लाफिंग या डी स्लीपिंग। लिखना, दौड़ना, हंसना या सोना। सर ऑप्शन सी, हंसना को लॉक किया जाए। हंसना को ताला लगा दिया जाए, प्लीज लॉक हंसना। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे 32 दांत होते हैं, जैसे इस तरह आपकी 32 जो है वो दिख रही है। आप एकदम हंसमुख हो गई हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद।
ओके, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोमल जी, ये एक इमेज प्रश्न है, यानी आपको एक इसमें ऑप्शंस जो है वो इमेज के रूप में आएंगे। इनमें से किस जानवर को भारत में आम तौर पर उसके दूध के लिए नहीं पाला जाता है? उसके दूध के लिए नहीं पाला जाता। जी सर। Which of these animals is not usually reared for its milk in India? अब आपको हम छवि दिखाते हैं। Can you see the image, please? इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी? यस। ऑलराइट, ऑप्शन डी लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मानव जाति ने अलग अलग जीवों के उपयोग ढूंढ लिए हैं, है कि नहीं? जो तीन आपने देखे उनका दूध उपयोग में लिया जाता जी है। गाय से लिया जाता है। हाँ। हिरन से नहीं लिया जाता। भैंस का दूध भी होता है, बकरी का दूध भी होता है जी सर। और बकरी का दूध जो है गांधी जी ने बहुत प्रचलित किया था। अच्छा। हाँ। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ रहा है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साइन, कोसाइन और टेंजेंट मुख्यतः इनमें से किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं? In which of these fields are the terms sine, cosine, tangent primarily used? Option suniye: A. Zoology, B. Trigonometry, C. Archaeology, or is it D. Organic chemistry? Sir, option B. Trigonometry ko lock kiya jaye. Laga diya taala? Ji sir, bilkul. Jeev vigyan, trigonometry, purattva shastra, कार्बनिक रसायन शास्त्र, आपने कहा बी। यस सर। बी को लॉक किया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। ट्रिग्नोमेट्री इज राइट। ये सभी जो है ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है SIN, साइन के लिए, और कोसाइन के लिए होता है COS, और टेंजेंट के लिए टैन होता है। जी सर। बड़ा भयंकर सब्जेक्ट होता है ये। जी सर। स्कूल में कॉलेज में हम इसको पढ़े हैं। जी सर, इसके फॉर्मूले याद नहीं होते एक्चुअली में सर। अरे क्या बताएं आपको, तो हमको तो ट्रिग्नोमेट्री का स्पेलिंग नहीं आती है, तो बाकी चीज तो भूल जी सर। हमसे एक भूल हो गई देवी जी। हम सोचे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं और हम BSc ले लिए अपने कॉलेज में। सर, मैंने भी BSc लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, मैंने भी BSc। क्या बात, BSc मैथ। बस अब आगे बोलने की जरूरत भी नहीं है, मित्रता हो गई हमारे यार। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न, 5000 रुपए ये रहा आपके सामने। बेंच प्रेस व्यायाम में इनमें से किस शारीरिक अंग की कसरत दूसरों की तुलना में अधिक होती है? Which of these body parts is worked more than others in the bench press exercise? समझ गए प्रश्न को? हाँ सर, समझ। विकल्प देखिए, ए थाइस, बी काव्स, सी चेस्ट, एब्डोमेन, जांग, पिंडली, छाती या पेट। बेंच प्रेस सर, ऑप्शन सी छाती। छाती लगा दे ताला। जी सर। सी छाती को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने। और बेंच प्रेस को आप तो ज्यादा जानती होंगी। हाँ सर। आमतौर पर चेस्ट प्रेस हाँ, भी कहते हैं सर। ऐसे हाँ, एकदम बिल्कुल। हाँ सर, स्ट्रेट ऐसे। हाँ ऐसे हाँ। भी होता है, ऐसे भी होता है। हाँ जी सर। और बेंच प्रेस को बेंच पे लेट कर किया जाता है सर। हाँ ऐसे हाँ, लेट के हाँ, और दो ठो खंबा होता है इधर उधर जी सर, बीच में डंडी होता है जी सर, और डंडी के दोनों तरफ गोला लटका देते हैं भारी यस सर, और लेट करके उसको उठाना पड़ता है। हाँ सर। आप कितना उठा लेते हैं? सर मैं बेंच प्रेस तो 40 kg तक के उठा लेते सर। ये बेंच प्रेस 40 kg। हाँ, और सर वेट लिफ्टिंग, सर जो वेट लिफ्टिंग होता है सर, उसमें मेरा हाईएस्ट सर, उसमें दो इवेंट्स होते हैं, एक स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। हाँ। सर मैं स्पेसिफिक वेट लिफ्टिंग से हूँ, तो मैं स्नैच और क्लीन एंड जर्क ज़्यादा करती हूँ। तो सर मेरा जो स्नैच है वो हाईएस्ट मेरा 70 kg है, एंड क्लीन एंड जर्क मेरा 90 kg है जी सर। अच्छा हुआ हमने आपको अपना वजन नहीं बताया। वरना आप हमको उठा करके पटक देती है भी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। इतना ही है हमारा वजन, 90 kg 90 kg सर। हाँ सर। सर आप तो बहुत फिट दिखते हैं सर, 90 kg के बिल्कुल नहीं दिखते। अच्छा, भारी है क्या?
नहीं सर, आप बहुत गड़बड़ हो गई, आज तो आज से खाना बंद। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, आप जैसे है वैसे ही रहिए। अच्छा, ऐसे रहता हूँ। कोई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी जी सर, जिनसे आप बहुत प्रभावित हो या आपको इंस्पायर करती हो? हाँ सर, जैसे कि मैं वेटलिफ्टिंग से हूँ तो सर मुझे मीराबाई चानू मैम मेरी इंस्पिरेशन है। वो और वो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में और लास्ट ईयर उन्होंने ओलंपिक्स में भी सिल्वर मेडल जीता था सर। मैं भी और सर किस्मत मेरी ऐसी हुई कि जब मैं 2020 में जब मैं नेशनल खेलने गई थी कोलकाता में, तो सर हमने दोनों ने मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में, सर ये मेरा सौभाग्य है कि हम दोनों ने एक ही प्लेटफॉर्म में लिफ्टिंग किया था। हाँ सर। ओ, ओके। जी सर। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी थैंक यू सर। और अभी भी उम्र आपके साथ है और आपके बाजुओं में दम है। जी सर। और उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप भी जाएं और भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीत करके लाएं। जी सर, है कि नहीं? सर, हाँ जी। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। जी सर। इसका मूल्य है 10,000 रुपए और ये है खेल का पहला पड़ाव। वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन क्राइम पेट्रोल शो के नियमित होस्ट रह चुके हैं? जी सर। और चेहरे की मुस्कान बता रहे कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। Who among these has been a regular host of the show Crime Patrol? A. अनूप सोनी, B. पंकज त्रिपाठी, C. अनु कपूर या D. राम कपूर? सर ऑप्शन ए, अनूप सोनी। अनूप सोनी। अनूप सोनी। ऑलराइट जी सर। प्लीज लॉक, लॉक किया जाए ए अनूप सोनी जी को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्राइम पेट्रोल। जी सर। लगभग 2 दशकों से ये चल रहा है क्राइम पेट्रोल शो। जी सर। और कई सारे लोगों ने इसको होस्ट किया है, लेकिन इसमें प्रमुख जो है, जैसा कि प्रश्न था, अनूप सोनी जी। ऑलराइट, 10,000 जीत लिया, पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए निश्चित हो गए कि आप ले जाएंगे, लेकिन अभी पूरा खेल बाकी है आपके सामने। कोमल जी, आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। किसका सेवन करने पर भगवान शिव का गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ नाम प्राप्त हुआ? अपॉन कंज्यूमिंग व्हाट डिड लॉर्ड शिव्स थ्रोट गेट कलर्ड ब्लू गिविंग हिम द नेम नीलकंठ? ऑप्शन सुनिए, ए फ्रूट, बी अमृत, सी पॉइजन, डी हनी। फल, अमृत, विष या शहद? सर ऑप्शन सी, विष। विष के साथ जाएंगे? जी सर। श्योर है? जी सर। लगा दे ताला? जी सर। सी पॉइजन, लॉक किया जाए? सही जवाब दिया आपने। इसकी कहानी तो आप जानती होंगी। जी जब सर। समुद्र मंथन हुआ था। जी सर। तो विष निकला और शिवजी को लगा कि अगर ये विष बाहर चला गया तो खतरनाक हो गया, क्या किया जाए, तो उन्होंने स्वयं उसको पी लिए थे सर। और उन उस वजह से उसका गला जो है हमेशा आप देखेंगे नीला दिखाया जाता है। एक एक पक्षी भी है, चिड़िया। हाँ सर। जिसका नाम नीलकंठ है, क्योंकि उसका गला जो है वो नीला है। ऑलराइट, सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी अभिनेत्री कैन फिल्म समारोह में जूरी की एक सदस्य रह चुकी हैं? Which of these actors has been a member of the jury at the Cannes Film Festival? A. आलिया भट्ट, B. दीपिका पादुकोण, C. श्रद्धा कपूर, D. अनुष्का शर्मा। सर मैं इनको फॉलो भी करती हूँ, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे इनको बहुत बार। इस बार के कान फिल्म समारोह में वो जूरी मेंबर थी वो। सर ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण को लॉक किया जाए। दीपिका पादुकोण कह रही हैं? जी सर। कोमल जी, बी को लॉक किया जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।
कई सालों से दीपिका पादुकोण जो हैं वो कैन फिल्म फेस्टिवल में शामिल होती रही हैं, लेकिन इस साल उन्हें उनकी जूरी 9 मेंबर्स की जूरी होती है और उसमें उनको एक हिस्सा बनने का अवसर दिया गया और भारत के लिए, हमारे फिल्म उद्योग के लिए एक बड़े सम्मानित बात थी दीपिका पादुकोण। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आएगा 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न कोमल जी, ये रहा आपके सामने। छत्तीसगढ़ भारत में इनमें से किसके सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है? छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन इंडिया ऑफ विच ऑफ दीज? ए शुगर केन, बी सैंडलवुड, सी व्हीट या डी कोल? गन्ना, चंदन, गेहूं या कोयला? छत्तीसगढ़। सर गन्ना तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, गेहूं पंजाब का है, चंदन साउथ साइड ज्यादा होता है। सर सर ऑप्शन डी कोयला। कोयला को, हाँ जी सर, जाएंगे आप? जी सर। डी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी और बहुत बड़ी कोयला खदानें हैं और ये लगातार भारत के टॉप 5 कोयला उत्पादक राज्यों में शामिल है। जी सर। और जैसे झारखंड है, बंगाल है, वहाँ पर भी धनबाद, उड़ीसा में भी जी है सर। और धनबाद, आसनसोल आमतौर पर ये बड़ी खदानें हैं जहाँ पर कि कोयला उत्पादन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रवि जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगा कि इनको अखाड़े ले जाना चाहिए और इनको वेट लिफ्टिंग सिखाना चाहिए? सर मेरे को ऐसा लगा कि ये बचपन से मजबूत थी सर, ये कद काठी से मजबूत थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे पता चला कि ये मजबूत हैं? बचपन से ही पैसी थी ना सर, जैसे सामान वगैरह तोड़ देना, पटक देना, गाड़ी की किक तोड़ देती थी। अच्छा, हमने सोचा कि कहीं कोई किसी को मार दिया होगा चप्पल अप्पल से। नहीं वैसा नहीं, इससे पता चला कि वो घायल पड़ा हुआ है बेचारा नीचे, ऐसा तो नहीं था। तो आपको लगा कि इनमें जोर है। ओके, ये बताइए कोमल जी कि ये जो जब आपने तय कर लिया और आपके पिताजी ने कहा कि आप वेट वगैरह उठाइए, 2-3 चीज़ों को आपने घर में तोड़ दिया था, तो ट्रेनिंग आपने कब स्टार्ट की इसकी? सर मैंने 2007 से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया था सर, उस टाइम मैं 11 साल की थी। और उसके बाद सर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैं और भी ज़्यादा स्टेट चैम्पियनशिप में चैम्पियन बनते गई। सर मेरा स्टेट चैम्पियनशिप में मेरे रिकॉर्ड्स भी है मेरे स्टेट में मेरे। ओ, जी okay. सर बेस्ट जूनियर वेटलिफ्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भी रह चुकी हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने कहा कि 11 वर्ष की उम्र में आपने ट्रेनिंग अपनी शुरू कर। जी सर। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये सही उम्र है अगर आप किसी एक विशेष क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे एथलेटिक्स हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, ये अच्छी उम्र होती है स्टार्ट करें। जी सर। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमको वेट ट्रेनिंग पे डाल दिया है, जबकि हमारी उम्र के जितने बच्चे हैं वो और खेल खेलते हैं और हमें वो भी खेल खेलना चाहिए? जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब हमारे स्टेट में उतनी बहुत ज़्यादा गर्ल्स लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे उस टाइम पे। जी। और सर जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट मेरे 4 या 5 महीने बाद ही मेरा नेशनल सेलेक्शन हो गया। उसके बाद से मेरे इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा वेट लिफ्टिंग में आ गया सर। पहले तो बहुत तकलीफ भी हुई मुझे, जब मैं जिम जाती थी तो बॉडी में पेन और मतलब नींद आना, थकान लगना, ये सब होता था सर। लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग करते गई जो दर्द था वो गायब होता गया। सर आपकी टीम आई थी सर हमारे शहर में राजनांदगांव में, सर उन्होंने मेरा वीडियो बनाया है। सर आपकी परमिशन हो तो मैं वीडियो दिखा सकती हूँ सर। दिखाना चाह रहे हैं आप? जी सर। कैन वी सी द वीडियो? कोमल आती तो जिम तो वजन पटकना चालू हो जाता है। हाँ, वो जिम में दन दन मल्टी टैलेंटेड लड़की बोले जा सकते कोमल को।
पढ़ाई के क्षेत्र में भी खेल में भी बहुत बढ़िया है। लगातार स्टेट चैंपियन है, नेशनल खिलाड़ी है और स्कूल नेशनल मेडलिस्ट है। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल ओन लगा के फोन बता दे सबने बच के रहियो बागड़ बिल्ली से। जब मैं 11 साल की थी तब से मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था। वेट लिफ्टिंग के फायदे तो बहुत है लेकिन नुकसान भी बहुत है। बेटा बोरी उठा दे। बच्चे लोग तो कोमल दीदी बोलते हैं, कोमल भाई भी बोलते हैं। दीदी हमको उठा के स्नैच मारो, क्लीन जर्क मारो। जब ये पैदा हुई थी तब ये बहुत नाजुक थी, इसलिए इसका नाम हमने कोमल रख दिया था। जब से जिम जाना स्टार्ट करी है तब से ये बहुत कठोर हो गई है। सब काम नुकसान ही नुकसान है, बर्नी तोड़ देती है, बाटल तोड़ देती है, चम्मच तोड़ देती है, हैंडल निकाल देती है दरवाजे का। किचन के एक ही काम आता है, आटा गूंदना बहुत अच्छा आता है। उसके बगल में चलने से भी मैं डरता हूँ। जब उसके बगल में चलते अगर उसका गलती से भी हाथ पड़ता है ना, मैं जमीन में प्रणाम करने लग जाता हूँ। 2.5 किलो का हाथ के बराबर है सन्नी देओल के। इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो वेट लिफ्टिंग बहुत अच्छा कर रही है, इसके लिए मुझे उसके ऊपर गर्व है, बहुत गर्व है। वो थाली टूट गई, चम्मच टूट गया और साथ में भाई साहब चल रहे थे, थप्पड़ पड़ा, गिर गए। ठहर जाइए, हमको बताइए हमारा हाथ दबा करके कितना जोर है आपके। नहीं सर, नहीं सर, तो हम जानना चाहते हैं। अरे बाप रे, रवि जी, एक थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है। घर के अंदर कोई टूट टाट जाए तो इनसे आप मदद ले लेते हैं क्या? इधर 2-3 हाथ मारा और ठीक हो गया, घर ठीक हो गया। नहीं सर, ये नुकसान बहुत करती है सर ये। सर नुकसान तो बहुत है सर, फायदे तो है सो है सर वेट लिफ्टिंग के, लेकिन नुकसान तो सर उससे ज्यादा ही है सर। लेकिन ये जितनी ताकत है इसका सही उपयोग भी हो सकता है कि नहीं? जी सर, उसको सही उपयोग के लिए ही डाला था सर। ऑलराइट कमल जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आप इसी तरह और भी तरक्की करती जाइए। जी सर। आ रहा है नवा प्रश्न आपके सामने और इसके लिए मिलेंगे आपको 1,60,000 रुपए। जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? Which of these sports persons was nominated to the Rajya Sabha in the year 2022? ऑप्शन सुनिए। ए मैरी कॉम, बी पीटी उषा, सी अभिनव बिंद्रा या डी धनराज पिल्ले। सर मैरी कॉम मैम को तो पहले इसके पहले वाले में नॉमिनेट किया गया था उनको राज्यसभा के लिए। अभिनव बिंद्रा तो नहीं है, धनराज में। सर ऑप्शन बी पीटी उषा। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कह रहे हैं पीटी उषा बी, लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर है आपका। वाह, बधाई हो आपको, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। थैंक यू सर। और इनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया, इन्होंने शपथ भी ले ली है राज्यसभा की, पीटी उषा। जी सर। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में इन्होंने भाग लिया था और ये शायद ब्रॉन्ज मेडल से बस एक जगह पर चूक गई थी। जी सर। फोर्थ आई थी ये। सर वही बहुत बहुत तो बड़ा कष्ट दे होता है। हाँ, जी इतने बड़े स्टेज पे जाके सर कुछ टाइमिंग से, जैसे सर मैं यहाँ पे भी चूक रही थी, कुछ सेकंड से ही चूक रही थी सर, लगभग 3 दिन से। जी 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 सर, मुझे बस मेरे स्पोर्ट्स की याद आती है कि बस केबीसी का जो मंच है वो मेरा वेट लिफ्टिंग का प्लेटफॉर्म है। हाँ। और यहाँ पे जो मैं जो वेट लिफ्टिंग में जो मैं वेट्स उठाती हूँ सर, वो यहाँ पे मेरे लिए ये केबीसी के प्रश्न है सर। जी जी बिल्कुल सही कहा, अभी तक आपने बिल्कुल सही वेट उठाया है। जी सर, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। पीटी उषा बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब देखिए
अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न होगा, खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये, इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिए। जी सर बिल्कुल नहीं, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जी सर। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, बहुत ही सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं कोमल जी। जी सर। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की किस राज्य राजधानी का नाम अतरौली शहर के साथ जोड़ने से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराने का नाम बनता है? जी सर। एडिंग द नेम ऑफ विच इंडियन स्टेट कैपिटल टू द टाउन अतरौली विल गिव यू द नेम ऑफ अ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक घराना। ऑप्शन सुनिए, ए भोपाल, बी चंडीगढ़, सी जयपुर, डी पटना। सर लाइफलाइन लूंगी सर। शांत हो जाइए डीजे बाबू, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, कौन सी लेंगी? सर ऑडियंस पुल। ऑडियंस पुल ले, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, प्रश्न थोड़ा कठिन है लेकिन हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर और कोमल जी को भी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। भारत की किस राज्य राजधानी का नाम अतरौली शहर के साथ जोड़ने से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराने का नाम बनता है? ए भोपाल, बी चंडीगढ़, सी जयपुर या डी पटना। और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा, जयपुर सी को सबसे ज्यादा 46% मिला है, 28% भोपाल को है, 12 और 14 मिला है बी और डी को। क्या करेंगी आप? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑलराइट। सी जयपुर ऑडियंस कह रहे हैं और कोमल जी भी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए प्लीज, लॉक सी। अच्छा आप में से कितने लोग क्लासिकल म्यूजिक के साथ दिलचस्पी रखते हैं, हाथ उठाइए जिनको क्लासिकल म्यूजिक से दिलचस्पी है। आप देख रहे हैं केवल 3-4 हाथ उठे हैं। और प्रश्न था शास्त्रीय संगीत घराने का नाम, अधिकतर मिला है जयपुर को। हमने आपसे कहा था कि हमारी जनता जो है बड़ी शिक्षित होती है। जी सर। ये प्रूव कर दिया इन्होंने, बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू सो मच। घराने की शुरुआत उस्ताद अल्लादिया खां ने की थी। जी सर। वो अतरौली से थे लेकिन बाद में वो अपने परिवार के साथ जयपुर रहने लगे। घराने के अन्य प्रसिद्ध सदस्य केसरबाई केरकर, मल्लिका अर्जुन मंसूर और मोगूबाई कुर्दीकर, ये सब बड़े ही विख्यात संगीत से, शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। ऑलराइट कोमल जी। जी सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। जी सर। और बहुत सारे यहाँ पर प्रथाएं हैं जो उनको मुझे पूरा करना पड़े। सबसे पहले एक चेक आ गया इनके नाम। ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू सो मच। 10 प्रश्न हो गए। जी सर। और यहाँ पर कुछ चीजें और बता दो। एक तो अब समय की कोई पाबंदी नहीं है किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ये डीजे बाबू शांत हो गए। और हमने जैसे आपको बताया था कि 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ का, उसका दरवाजा खुल गया। ये है जैकपॉट प्रश्न, तिलस्मी तिजोरी इसको दिया हुआ है शीर्षक। सर मैं तिलस्मी तिजोरी की ही तैयारी करके आई हूँ सर इस बार। हमारी उम्मीद है कि आप जीत जाए उसे। और जो धन अमृत हमारा पड़ाव है, 15वां पड़ाव, 15वें प्रश्न का 75,00,000 रुपए का, वो भी अब जीवित हो जाता है, जागृत हो जाता है।
तो बधाई आपको, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आपने जीत लिया है। थैंक यू सर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। अब बहुत सुंदर तरीके से खेलती रही हैं। अब उसी प्रेरणा को लेकर के 12वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है 12,50,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने फियरलेस गवर्नेंस नामक एक पुस्तक लिखी है? Who among these has written a book named Fearless Governance? A. निर्मला सीतारमण, B. स्मृति ईरानी, C. किरण बेदी, D. शीला दीक्षित। समय समय आपके पास। Fearless Governance। Fearless Governance। सही उत्तर देंगे 12,50। दो लाइफलाइन है आपके पास जिनका उपयोग किया जा सकता है। खेलिए और अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा 3:20 पर। किसी भी समय आप क्विट भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास दो लाइफलाइंस हैं तो जैसा कि हमने आपसे पहले भी आपको कहा था, उनका उपयोग किया जा सकता है। सर, शीला दीक्षित का देहांत हुए तो काफी टाइम हो गए हैं और मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं उन्होंने कोई बुक वगैरह लिखी है। शीला दीक्षित तो नहीं है। सर लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगी? ओके। मन में नहीं आ रहा आपके कुछ? नहीं। ओके। दो बचे हैं 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर 50-50। 50-50? ओके। तो आपके मन के अंदर दो ऐसे विकल्प हैं जिनको आपको लगता है कि जी सर उनमें से दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। 50-50 को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत ऑप्शंस हैं उनको मिटा दिया जाए। निर्मला सीतारमन, किरण बेदी, फियरलेस गवर्नेंस, एक सही एक गलत। निर्मला सीतारमण, नहीं निर्मला सीतारमण तो नहीं हो सकती। सर जो किरण बेदी मैम है वो बुक्स वगैरह लिखते रहती हैं सर। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? जी सर। आपको कहना पड़ेगा लॉक किया जाए। जी सर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सी, किरण बेदी पे ताला लगाया जाए। आप किताबों की बात कर रहे थे कि उन्होंने किताब लिखी या नहीं लिखी। जी सर। और जब आप बाकी दो के नाम भी ले रहे थे आपने कहा कि शायद वो ऑथर्स नहीं थे, क्यों लगा कि आपको ये किरण बेदी होना चाहिए? सर वो बुक्स वगैरह लिखते रहती है सर मैम। ओके। इस कारण मुझे लगा कि वही लिखी होंगी। जीत गए आप 12,50। वेल प्लेड। आपका खेलने का तरीका बहुत सुंदर है, मैं आपको बता दूं कोमल जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो एलिमिनेशन प्रोसेस आपके मन में है ना, ये बहुत सुंदर तरीके से आप खेलती। मुझे लगा था कि फियरलेस नाम से आप शायद समझेंगी कि ये किरण बेदी ही हो सकती हैं, क्योंकि yes, किरण बेदी जी हमेशा फियरलेस इंसान की तरह, वो पुलिस में रही हैं और हाँ सर। 2022 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और जैसा कि आप जानती होंगे किरण बेदी जो है वो पुडुचेरी हाँ। की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में डॉक्टर किरण बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा 40 वर्षों की रही उनकी,
और इस विशाल अनुभव की जो जमीनी हकीकत थी उसके ऊपर, उसी पर आधारित उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, फेयरलेस गवर्नेंस। बहरहाल आपने सही तरीका अपनाया और एकदम जीत गए आप 12,50,000 रुपये। कुमार जी, 25 लाख रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। और आपके पास अभी एक वीडियो कॉल लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से संघर्ष में सम्मिलित व्यक्ति समर सेवा स्टार प्राप्त करने के अधिकारी हैं? द पार्टिसिपेंट्स इन विच कॉन्फ्लिक्ट आर एलिजिबल टू रिसीव द समर सेवा स्टार। ऑप्शन सुनिए, ए 1947 कश्मीर वॉर, बी 1999 कारगिल वॉर, सी 1962 इंडो चाइना वॉर, डी 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर। समर सेवा स्टार। समय समय आपके पास, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन जीवित है, वीडियो कॉल ऑफ है। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख खेले, और गलत हो गया अगर तो 3-20 भी नीचे गिर जाएंगे आप। न खेलना हो तो आप क्विट कर सकती हैं, आप 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं। सर डाक तो कारगिल युद्ध रहा है मेरे को, कारगिल युद्ध समर सेवा स्टार। सर लास्ट लाइफलाइन यूज करना चाहिए। लास्ट लाइफलाइन, ऑलराइट कमरी जी, आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। और कमल जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये हैं वो 3 नाम। अबरार हुसैन है, सीमा आर गुप्ता है, या रमेश पटेल है? सर मैं रमेश पटेल जी को लगाना चाहूंगा। रमेश पटेल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये संबंधी हैं, मित्र हैं, क्या हैं? सर मेरे मामा जी हैं। आपके मामा जी, जी। रमेश पटेल जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? सर नमस्कार करता हूँ, मैं भी प्रणाम करता हूँ आपको जी। आपका एक बहुत एक बहुत ही डायलॉग मुझे याद आ रहा है सर, खुश तो बहुत हो गए आप। सर बहुत खुश हूँ सर। खुशी आपको देनी है कोमल को, एक प्रश्न का उत्तर बताना है आपको सही। बिल्कुल सर। कोमल जी आपका समय शुरू होता है। किस संघर्ष में सम्मिलित व्यक्ति समर सेवा स्टार प्राप्त करने के अधिकारी है? इनमें से किस संघर्ष में सम्मिलित व्यक्ति समर सेवा स्टार प्राप्त करने के अधिकारी है? ऑप्शन है 1947 का कश्मीर युद्ध, बी है 1999 का कारगिल युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इंडो पाकिस्तान वार हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। कोमल सॉरी, भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। क्या करना चाहेंगे आप? सर ये अमाउंट भी बहुत बड़ी है, बट ये भी है कि अगर मैं जीतती हूं तो मैं और अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को जी ट्रेनिंग को अच्छे से और कर पाऊंगी सर। सर मामा जी के साथ जाऊंगी सर। जाएंगी मामा जी के साथ? जी सर। क्या करना चाहेंगे? डी डी भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। मामा जी से इनको उपाय मिली, डी पे ताल लगाया जाए, और इन्होंने निश्चित कर लिया कि डी के साथ जाएंगे।
रमेश जी, आपने कहा था कि आप श्योर नहीं है कि ये इंडो पाक वॉर है। हाँ, क्या क्या चल रहा था आपके मन में और कौन सा ऑप्शन हो सकता था? सर पाकिस्तान वाला ही उसी में लग रहा था सर, बस ये, ये जो संघर्ष है ये एक सम्मिलित व्यक्ति यानी कि बहुत सारे कार्य किए होंगे उसने। जी जी जी। और आपको पता है कि ये अगर सही हो जाएगा तो ये 25 लाख जीतेंगे, लेकिन अगर गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 3 पीस पर। अरे बाप रे, ओ माय गॉड। सर ईश्वर को याद करने की नौबत नहीं आएगी। सही जवाब। थैंक यू। वेल प्लेड सर। सर बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। जय छत्तीसगढ़। 25 लाख रुपए आपने जितवा दिए हैं कोमल को। थैंक यू। ये समर सेवा पदक जो है ये 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए दिया जाता है। जी सर। ये एक फाइव पॉइंटेड स्टार के आकार का होता है और ये 5 अगस्त 1965 में से 25 जनवरी 1966 तक यदि कोई सैनिक या अधिकारी इस युद्ध में लड़ते हुए कुछ विशिष्ट स्पेसिफिकेशन को पूरा करते हैं तो वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी सर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, उस काले अवधि में जिन्होंने 10 डेज एक्टिव सर्विस की हो, 10 डेज की एक्टिव सर्विस की हो, एयरफोर्स पर्सनल जिन्होंने 3 ऑपरेशनल सॉर्टीज की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह से। तो अगर किसी ने 3 सॉर्टीज की एयरफोर्स की और तो 10 डेज की एक्टिव सर्विस अगर उसने की हो तो ये पुरस्कार मिलता है। वाह रमेश जी, क्या बात है आपकी। वेल प्लेड। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये 25 लाख रुपए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। जी सर। हम सब समझते हैं इस बात को। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। जी ये इस खेल की परंपरा रही है कोमल जी। जी सर। कुछ ही घंटों में इंसान का जीवन बदल जाता है। जी सर। और हम देख रहे हैं कि किस तरह इस धनराशि से आपका जीवन बदल जाएगा। जी सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। जितने भी आपने अपने जीवन में और आपके पिताश्री ने जितना भी बोझ उठाया हो, संकट का बोझ उठाया हो, वो मैं उम्मीद करता हूं कि पार हो जाए। ऑलराइट कोमल जी, एक सरप्राइज है आपके लिए। जी सर। कॉल लगाया जाए। ये आ गई। हाय। हेलो मैम। मेरा भाई चनो, देश का नाम इन्होंने रोशन किया है। मेरा भाई कोमल गुप्ता इन फ्रंट ऑफ मी, ये आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है तो हमें लगा कि आपसे बात करवा दी जाए। हेलो मैम। मैम सबसे पहले आपको मैम बहुत बहुत बधाई दूंगी। मैम आपने जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मैम जो आपने गोल्ड मेडल जीते है उसके लिए मैम इंडिया की पूरी टीम को मैम पूरा बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सबकी वजह से तो मैं गोल्ड मेडल जीत पाई हूँ। जी मैम, इतना प्यार दिया है आप लोग। थैंक यू सो मच मैम। जी मेरा भाई, मैं आपको बता दूं कि कोमल भी वेट लिफ्टिंग करती हैं और स्टेट और नेशनल लेवल पर इन्होंने कई खिताब जीते हैं। और ये आपसे इतनी ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई है कि आपको एक मॉडल बना के रखा, इंस्पिरेशन मॉडल, ये अपने जब ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। जी मैम, मैं सोचती हूँ आपके पास आके कभी फोटो खिंचाऊंगी, लेकिन आपके जो फिजियो वाले सर है ना वो आपको लेके चले जाते हैं सर, मुझे बहुत गुस्सा आता है। जरूर जरूर, मैं पटियाला में ही रहती हूँ, कभी भी आप आ सकते हैं। अभी मैं दे रही हूँ आपको परमिशन। जी मैम। जी मैम बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। मीरा भाई, आप कभी आइए हमारे केबीसी में हमारे साथ खेलने के लिए, या केवल आ जाइए, आपका हम सम्मान करना चाहेंगे। देश का नाम आपने रोशन किया है। We are also proud of you. आपको पहले तो सर नमस्ते। अभी सर ने बुला लिया तो मैं जरूर आऊंगी सर के पास। सबसे पहले तो मैं सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं जरूर आऊंगी सर आपके पास। स्वागत स्वागत आपका मीरा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिग हैंड फॉर मीरा भाई चानू। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं कोमल जी।
आपकी मनोकामना शायद पूरी हो गई कुछ हद तक, जिनकी आप फैन रही हैं और जिनसे आपने अपने आप को प्रेरित किया है, उनसे आपकी बातचीत भी हो गई है। अब उसी प्रेरणा को लेकर के कोमल जी, ये अगला प्रश्न जो है, यदि आपका सही हो गया तो 50 लाख रुपए आप जीत जाएंगे। जी सर। एक बार फिर आपको कहूंगा मैं कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची, 25 लाख रुपए आपने जीते हैं, न खेलना चाहें आप क्विट कर सकती हैं, 25 लाख रुपए आपको निश्चित रूप से दिए जाएंगे। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर, कोमल जी ये रहा। उड़ीसा में विधायक के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास इनमें से कौन सा मंत्रालय था? Which of these portfolios did Shrimati Draupadi Murmu hold during her time as an MLA in Odisha? A. Commerce and Transport. B. Home. C. Women and Child Affairs. D. Finance. क्या उड़ीसा में वाणिज्य और परिवहन मंत्री थी, गृह मंत्री थी, महिला एवं बाल विकास मंत्री थी या वित्त मंत्री थी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न है 50 लाख रुपए के, कोई लाइफलाइन नहीं बची आपकी, सही उत्तर देंगे 50 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पर, वो हम नहीं चाहेंगे। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, कभी भी आप क्विट कर सकती हैं, 25 लाख रुपए आपको मिलेंगे। सर ये अभी हाल ही की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी महामहिम जी, भारत की प्रथम नागरिक भी है ये। और सर ये पहली जनजाति महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी है ये। सर मैंने अभी इनके बारे में पढ़ा भी है, रिसेंट की न्यूज़ है। सर ऑप्शन ए वाणिज्य एवं परिवहन। वाणिज्य और परिवहन जी सर। कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट जी सर। लगा दें ताला जी सर। कबीर जी, कोमल जी कह रही हैं ए कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट पे ताला लगाया जाए। जिस समय से मैंने इस प्रश्न को पढ़ना शुरू किया जी सर, आपकी न जाने कितनी भौहें जो थी वो सुखड़ गईं, बहुत सारी परेशानी आ गई आपके चेहरे पर, इसके बावजूद आपने ये खेल खेला। 50 लाख रुपए तो, वेल डन, हाथ मत दबाइएगा, हमारा बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। व्हाट अ वंडरफुल आंसर यू गिव, वेल डन। बैठ जाए बैठ जाए। बहुत सारी चेतावनियां दी थी हमने आपको, और शुरू में एक और चेतावनी दी थी कि रोइएगा मत, फिर आंसू बहा दिया आपने। अब हम नहीं जाएंगे आपको पहुंचने, नहीं सर। लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको कोमल जी, ये बड़ा मुश्किल प्रश्न था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने हमारी राष्ट्रपति बनने से पहले कई पदों पर कार्य किया है,
वो उड़ीसा सरकार में फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री में भी वो मंत्री थी। वो बाद में झारखंड की राज्यपाल भी बनी, वो झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी। और जो उत्तर आपने दिया वो बिल्कुल सही था, 50 लाख रुपए आपके हो गए। थैंक यू सो मच सर। सर आज मेरा दिन बन गया सर, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी सर, बिल्कुल भी। ये दिन आपने स्वयं बनाया है, हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोग केवल आपकी प्रशंसा करने के लिए बैठे हैं। आपने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाई देखी हो वो सब पूरी हो गई है कुछ ही घंटों में। जी सर। और जैसा कि हमने कहा, यही है विशेषता इस खेल की, कौन बनेगा करोड़पति। कोमल गुप्ता जी बहुत सुंदर तरीके से खेलती रही हैं, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से हैं ये, और एक वेट लिफ्टर हैं, और बचपन से ही इनको इनके पिताश्री जो कि यहाँ पर आए हुए हैं रवि जी ने इनको जिम में जाना सिखाया, और नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे बहुत सारे खिताब इन्होंने जीते हैं। कोमल जी, अब इस खेल को और विशेष बनाने के लिए और अपने जीवन को और भी विशेष बनाने के लिए ये आ गया है धन अमृत पड़ाव। जी सर। 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए, 75 लाख रुपीज। 15th question, कोमल गुप्ता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। '73 में अराबेला और अनीटा नाम के दो जीव अंतरिक्ष में क्या करने वाले पहले जीव बने? In 1973, two creatures named Arabella and Anita became the first animals to do what in space? Option suniye: A. Build a nest. B. Spin a web. C. Fly using wings. D. Give birth. घोंसला बनाना, एक जाल बुनना, पंखों के जरिए उड़ना, जन्म देना। सर अंतरिक्ष की बात है और अंतरिक्ष में तो ग्रेविटी जीरो होती है, जीरो ग्रेविटी में होते हैं, तो घोंसला अगर वो बनाएंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो तो इधर उधर उड़ जाएंगे। जन्म देने के लिए भी वही है, सर जाल, जाल बुन सकते हैं सर, बी और सी में कंफ्यूजन है। लाइफलाइन नहीं है, सही उत्तर 75 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर। सर पंखों के जरिए उड़ना लग रहा है मुझे, श्योर नहीं हो सर, मुझे उत्तर नहीं मालूम है। मैं केवल आपको कह सकता हूं कि क्या होने वाला है, सही हो गया तो 75 लाख, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 3-20 पर। 50 लाख आप जीत रही हैं,
आप कभी भी क्विट कर सकती हैं, आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। जी सर। सर क्विट करूंगी सर। क्विट करेंगे? जी सर। श्योर नहीं हूं सर मैं। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। खेल क्विट करेंगे आप? जी सर। ओके। कमिश्नर महाशय कोमल गुप्ता जी खेल क्विट करेंगे, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें और 50 लाख रुपए आप जीत गए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। ये जो आपकी जीती हुई रकम है ऐप द्वारा, इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। कोमल गुप्ता आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 50 लाख, 1, 2, 3, 4, 5। जी सर। सही है कि नहीं? जी सर सही है। कंफर्म किया और ये 50 लाख आपके बैंक अकाउंट में अभी पहुंच गए, बिल्कुल अभी के अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको कोमल जी। थैंक यू सो मच। अब जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को और कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सर, किसी एक को गैस कीजिए। सी। सी को गैस करेंगे। सी फ्लाई यूजिंग विंग्स पे ताला लगाया जाए। बच गए आप, ये गलत होता है। सही उत्तर है स्पिन वेब। बी और डी में जा रहा था। बी और सी में आपके मन में थोड़ी शंका थी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही किया। जी सर। क्योंकि आपको शोर नहीं था कि आप अरबेला और अनीता जो को 1973 में यूएस स्काई लैब स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष भेजा गया था। इस प्रयोग में यह देखना था कि वेटलेसनेस या भारहीनता की स्थिति में मकड़ियां जाल कैसे बुनती हैं। इसे एक अमेरिकी छात्र ने सजेस्ट किया था, एक स्टूडेंट ने इसको सजेस्ट किया था कि क्या ये मकड़ी जाकर के वहां जाल बना सकते हैं कि नहीं। मकड़ियों ने सामान्य दिखने वाले जाले तो बुने, लेकिन वो रेशम पृथ्वी की तुलना में पतला था। अच्छा। इतना मोटा नहीं था जितना कि आमतौर पर धरती पर होता। ये था सही उत्तर। ऑलराइट।